मेरा नाम है शुभम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप बता दूं, अगर आपको एक रिमाइंड कर दूं, क्योंकि ये चल रहा है MIUI के अपडेट का सीज़न। इस वक्त कोई भी किसी भी मोबाइल में कोई भी अपडेट आ सकता है, चाहे आपके पास कोई भी Xiaomi का डिवाइस हो तो किसी वक्त कोई भी अपडेट आ सकता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जैसे कोई अपडेट आता है सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस चैनल पर। तो जैसे कि पता है K20 में आया था, तो सबसे पहले मैंने बता दिया पोको F1 के इन्फॉर्मेशन निकल के आए थे, वो भी आपको बता दी। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ रहे थे, वो भी आपको कवर करने वाला हूँ। रेडमी नोट 7 प्रो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, रेडमी नोट 7S या रेडमी 7 नोट 7 से उनको अपडेट कब तक देखेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिए। तो लास्ट मैंने जो वीडियो अपलोड की थी, 2-3 वीडियो, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कमेंट इसी के ऊपर थे, रेडमी नोट 7 प्रो, रेडमी नोट 7S या रेडमी नोट 7। तो साफ साफ आपको कंफर्म करने देता हूँ, बार बार पूछने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों कह रहे थे आपकी आप ही ने तो बोला 22 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो 22 तारीख से मैं बता दूँ, इन्होंने साफ साफ बोला था इस शेड्यूल के अंदर 22 से 31 के बीच कभी भी किसी को भी मिल सकता है। ऐसे नहीं बोला था 22 तारीख से सभी डिवाइस को रोल आउट हो जाएगा और 31 तारीख को सभी को मिल जाएगा, 22 को नहीं, 22 से 31 के बीच में कभी भी किसी डिवाइस को देखने को मिलता। अब आपने शेड्यूल तो देख लिया, लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन इनकी नहीं देखी। जी हाँ, अपडेट शायद तक आपको ना भी मिल सकते। यहाँ पर इन्होंने टर्म एंड कंडीशन में लगाया हुआ है छोटा सा कि लोगों को दिखे ना, डायरेक्ट इन्होंने लिखा हुआ है। इसमें मैं बताता हूँ क्या लिखा है, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये शेड्यूल चेंज भी हो सकता है, अगर किसी अपडेट में कोई बग रह जाता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसे नेक्स्ट बैच में इंक्लूड कर दिया जाएगा। जैसे कि किसी भी डिवाइस के साथ हो सकता है, ऐसे नहीं सभी डिवाइसों के साथ होगा, कई कई डिवाइस में होंगे जो टेस्टिंग में फेल हो जाएंगे, तो उसको नेक्स्ट बैच में कर दिया जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी होगी कि अपडेट शायद तक आपके मोबाइल में सस्पेंड हो सकता है किसी भी मोबाइल के लिए, तो उसका डेट चेंज हो जाएगी, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे उसकी। और ये अपडेट मेरे हाथ में नहीं है कि आपको अपडेट मैं दे दूं, ये Xiaomi के ऊपर है। Xiaomi 22 से 31 तारीख के बीच में बोल रहा है, तो वो आपको दे सकता है, नहीं तो वो उसको चेंज भी कर सकता है, जो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन आपके लिए ये एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि इन बैच फर्स्ट में आप देखोगे 3 मोस्ट अवेटेड डिवाइस हैं, जिसमें K20, पोको F1 और रेडमी नोट 7। K20 को ऑलरेडी मिल चुका है, मैंने वीडियो बना दिया, वीडियो देखनी है तो देख सकते हैं। लेकिन पोको F1 का अभी इसकी भी ट्वीट आ चुकी है, जो कि Xiaomi की हेड पोको के हेड द्वारा आई है, तो वो भी कन्फर्म हो जाएगा थोड़े दिन में इसको मिलेगा। लेकिन रेडमी नोट 7 प्रो के लिए नहीं आया, क्योंकि शायद तक रेडमी नोट 7 प्रो को अब बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि शायद तक 2019 का सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बिकने वाला रेडमी नोट 7 प्रो है। और बताया जा रहा है पहले पोको F1 और रेडमी नोट 7 प्रो में से अभी किसी को 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इसको शायद तक रेडमी नोट 7 और पोको F1 के ज़्यादा चांसेस है अब आपको अपडेट देखने को मिल सकता था। तो चैनल पे एक्टिव रहिए, कभी भी अपडेट आ सकता है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो बार बार ही परेशान मत कीजिए अपडेट कब मिलेगा, तो मैं बता दूँ 31 तारीख का वेट कीजिए, नहीं तो वो बता देंगे, अगर चेंज होता है तो वो कुछ ना कुछ तो पोस्ट डाल ही देंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। अब जिस दिन ये रोल आउट होगा टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होगा, ना कि सभी पब्लिक यूज़र्स के लिए होगा। जैसे K20 में हुआ पब्लिक यूज़र में 2 दिन बाद दिया है, 2 दिन पहले टेस्टिंग चल रही थी, तो इसी प्रकार से रेडमी नोट 7 या नोट 7S या किसी भी डिवाइस में मिलना होगा तो उसको भी मिल जाएगा। तो सभी डिवाइस को 31 तारीख का वेट कर लीजिए, 31 तारीख के बाद होगा तो वो और कुछ वो पोस्ट करेंगे कि हम लेट हो गए इस प्रकार से, तो वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ला के देते रहेंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए, एक्टिव रहिए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती रहेगी, MIUI का सीज़न चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए।